कोरोना के बढ़ते मामलों में स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों की बड़ी चिंता खबर लक्सर से है, जहां कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों ने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब कुछ अभिभावक बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते तो कुछ अभिभावक ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करवाने की मांग उठाने लगे हैं। पिछले कुछ दिनों से राजधानी देहरादून में लगातार कोरोना केस बढ़ रहे हैं, इसे लेकर सरकार भी अलर्ट मोड पर है। ऐसे में अपने बच्चों को स्कूल भेजने वाले अभिभावकों की चिंता बढ़नी लाजमी है। देश दुनिया में कोरोना का ओमिक्रॉन नया वेरिएंट फैल रहा है। यह वेरिएंट अब टीका लग चुके लोगों तक को नुकसान पहुंचा रहा है, तो बच्चों को अभी टीके भी नहीं लगे हैं, लिहाजा अभी बच्चों को स्कूल भेजना उनकी जान से खिलवाड़ होगा। ऐसे में सरकार को तत्काल सभी छोटे बच्चों को स्कूल बंद कर ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करनी चाहिए ताकि बच्चे और स्टाफ सुरक्षित रह सके। जिस तरह कोरोना फैल रहा है, बड़े बड़े तो झेल ले, अब हमें बच्चों का डर है, कभी बच्चों में आ जाए, हमें बच्चों को असहाय बचाना चाहिए। इसको लेकर सरकार भी ध्यान दे, हमें बच्चों से बहुत डर लग रहा है, जो बच्चों में ना करना फैल जाए। कोरोना का मामले इस तरह बढ़ रहे हैं, बच्चों में डर सताने लग गया है, इतना लग रहा है। कल को आपको डर लगता है कि कल को आपको बच्चों में ना फैल जाए, बहुत डर लगता है इस चीज़ों में कोरोना को देख के। देखिए, बच्चों के माँ बाप को भी जो है स्कूल में थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए इसके विषय में। तो मास्क वगैरह आप हर रोज़ का मास्क वगैरह जरूर देना चाहिए, और जो हाथों में सैनिटाइजर वगैरह उसको भी उपयोग में लाना चाहिए। और सावधानी, अगर हम सावधानी नहीं रखते हैं तो फिर बच्चों को ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। बच्चों के साथ साथ और भी किसी को घर वाले 12 बजे बच्चे हर समय स्कूल जाते रहे, दूसरे कॉन्टैक्ट में रहें, तो इस तरह से हर किसी को जो है सावधानी पर रखने की जरूरत है। माँ बाप को थोड़ी सावधानी पर रखने की जरूरत है इसमें, और सरकार को भी, अधिकतर सरकार को भी सावधानी पर रखने की जरूरत है। लापरवाही का काम ज़्यादा करते हैं।